हेलो फ्रेंड, तो आज का ये जो वीडियो, स्कूटी तो सब लोग चलाते हैं, लेडीज बॉय सब, लेकिन कुछ फंक्शन होता है उनके बारे में उनको नहीं मालूम होता है। तो आइए उन्हीं के बारे में बता। सबसे पहले जो हैंडल कैसे लॉक होता है, ये लॉक हो गया है ना, अनलॉक कर लेते हैं। तो सिंपल सभी लोग जानते हैं हैंडल अनलॉक, लॉक तक। अब थोड़ा क्लोज लाइएगा। देखिए, सबसे पहले हम डैशबोर्ड के बारे में बताएंगे, बाकी राइट हैंडल की तरफ और लेफ्ट हैंडल की तरफ क्या फंक्शन है वो भी बताएंगे। तो देख सकते हैं, थोड़ा सा नज़दीक लाइए कैमरा। यह स्क्रीन पे ये जो है स्पीडोमीटर बोलते हैं, यहाँ पे किलोमीटर है ना, कितना चला, जैसे कि 607 किलोमीटर चला है ना, 607 किलोमीटर गाड़ी चला है। यह स्पीडोमीटर है, जितना स्पीड, जैसे कि स्टार्ट करके जो स्पीड रहता है वो बताता है कि कितना स्पीड आपकी गाड़ी जो है चल रही है। उसके बाद ये बात करें, ये जो है ई और एफ, मतलब कि फ्यूल वाला होता है, तेल आपका गाड़ी में कितना है ना, ये रेड के नीचे आता है, इमरजेंसी में चल रहा है। ये सब जो है आपका कुछ साइंस सिंबल है, जो कि जैसे कि है ना, जैसे कि आप चाबी ऑन करते हैं तो ये इंजन का लाइट जलता है ना, जैसे कि स्टैंड हम गिरा देंगे तो स्टैंड का लाइट जल गया है ना। ये जब फ्यूल इमरजेंसी में आता है तो इंडिकेट करता है, भैया आपका स्कूटिया जो है ना उसमें कम है फ्यूल, तो है ना। ये जो है जैसे कि देख सकते हैं, इंडिकेटर जब लेट लाइट का जलाते हैं तब है, ये जो है हम जब लाइट है ना स्टार्ट करके ये लाइट जलता है, क्योंकि इसका बैटरी कम होता है, देखिएगा यहीं यहीं पर करिएगा है ना, ये लाइट जब जलाते हैं तब इंडिकेट करता है। तो ये सब साइंस सिंबल को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये स्टैंड वाला है, ये फ्यूल इमरजेंसी है, इंजन लाइट है ना। और ये बात करते हैं हम, जैसे कि ये जो है पीपी लिखा हुआ है तो सब जानता भैया, हॉर्न है, गाड़ी सीखता है ना, ब्रेक और क्लच जानता है तो ये भी जान लेता है, ये इंडिकेटर है। लेकिन कुछ लोग इंडिकेटर मालूम नहीं होता कि किधर का, ठीक है, इधर का करेंगे मतलब राइट की जल रहा होगा, देखिएगा इंडिकेटर, देखिएगा ये दिखाइएगा जी, आगे से देख सकते हैं कि राइट का जल रहा होगा, इधर लाइएगा, फिर ये राइट का जल रहा था लेकिन अब हमको लेफ्ट जाना है आगे से, तो ये लेफ्ट का इधर करेंगे, अब देखिएगा लेफ्ट का जल रहा होगा, इधर का लाइट जल रहा है, थोड़ा सा फिर आगे आ जाइएगा है ना, ये हो गया। अब हम तीसरी बात करेंगे, पहला हॉर्न ये हो गया, दूसरा इंडिकेटर के लिए हो गया, ये जो है लाइट के लिए है। क्या है भैया, इसको ऑन करते हैं, देख सकते हैं यहाँ दिखा रहा है ना आपका, ये लाइट और स्टैंड, और स्टैंड भी स्टैंड लगा लेते हैं सिर्फ लाइट का बार, यहाँ से लाइट जलता है, ये ऑन करिएगा लाइट जल गया, दिखाइए जी आगे से, लाइट जल गया ना, फिर वापस लाइए। तो भैया ये सब कुछ लोगों को मालूम नहीं होता है, स्कूटी तो चलाना ज़्यादा हार्ड नहीं है, साइकिल चलाया भैया, सेल्फ किया स्लूट चला रहा, पिछला ब्रेक है अगला ब्रेक है, लेकिन ये सब फंक्शन जो है फ्यूल का, लाइट का, स्टैंड का, इंजन का, इंडिकेटर का, फ्यूल का, किलोमीटर का, लाइट का, इंडिकेटर का, पीपी का, मतलब है ना, ये सब जानकारी होना ज़रूरी है। क्योंकि भाई आप टाउन में चलोगे, इंडिकेटर यूज़ नहीं करोगे, लाइट यूज़ नहीं करोगे, लो बीम हाई बीम ये रहता है, जब जलाओगे ना तो ये लो बीम रहेगा, ये हाई बीम रहेगा है ना, हॉर्न नहीं आएगा, या फिर आपको ये नहीं पता रहेगा कि हमारा गाड़ी जो चला रहे हैं उसमें कितना फ्यूल है, तो फ्यूल भी आपको मालूम होना चाहिए है ना। जब इमरजेंसी में आया तो इंडिकेट होगा है ना, स्पीडोमीटर कितना किलो, मतलब मान लो 1 लीटर फ्यूल जलाया था तो 1000 किलोमीटर चलेगा, तो आपको एक सौ रुपया पेट्रोल डलाया था, किलोमीटर भी चेक करिए कि हम अभी चले हैं, मतलब स्कूटी बोले तो 1 लीटर में 50 किलोमीटर चलता है ना, तो वह आप किलोमीटर भी यहाँ से देखते रहिएगा है ना। तो ये सब किलोमीटर, ये सब जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। और ORVM इसको बोलते हैं है ना, ORVM आउटर रियर व्यू मिरर, राइट साइड लेफ्ट साइड का ORVM है ना। तो ये सब है, जानकारी होना चाहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बार बार बोलता हूँ दोस्त, कर दो, और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।